स्टूडेंट्स अब हम ये दिस इज पार्ट टू ऑफ चैप्टर वन। अब हम अकाउंटिंग प्रोसेस को समझेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? देखो सब कुछ बहुत ही सिंपल है और सब कुछ जो है उसकी डेफिनेशन के अंदर से ही निकल रहा है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको, ट्रांजेक्शन को और इवेंट, ठीक है, और हम उसका मनी में मेजरमेंट देखते हैं। जैसे कि मैंने किसी को 5000 की सैलरी दी, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये ट्रांजैक्शन है, हाँ है, मेरे यहाँ से पैसा जा रहा है, ये ट्रांजैक्शन है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे रिकॉर्ड करें, ठीक है, कि भाई 5000 मैंने इस बंदे को दिए। फिर हम क्लासिफाई करेंगे कि क्या ये एक्सपेंस हुआ, ठीक है, अपने यहाँ से पैसा चला गया, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। फिर हम कंक्लूड कर रहे हैं, अच्छा हाँ फाइनली ऐसा हुआ है, सामने वाले को हमने सैलरी दी है, यहाँ से पैसा गया है। एनालिसिस करेंगे, क्या एनालिसिस करेंगे, हम एंट्री को एनालिसिस करेंगे, फिर हम एंट्री डालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, उसको इंटरप्रेटेड करेंगे, उसकी वजह से हमारे फॉर्म में क्या असर हुआ, ठीक है, इंटरप्रेट करेंगे, माने हमने अपने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बना लिए और उसको हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और उसे हम समझ रहे हैं। ये समझो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, हम उसे समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है जो भी किसी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं तो उनको एनुअल रिपोर्ट दिया जाता है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, ये सब चीजें क्यों शेयर होल्डर्स को दी जाती है, उनको दिखाने के लिए कि भाई कंपनी का स्टेटस ये है, अब कंपनी ने इस साल प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, उसके अंदर 2 साल की इंफॉर्मेशन होती है ताकि उनको पता चले कि भाई लास्ट ईयर कंपनी ने क्या किया था और इस साल कंपनी ने क्या किया, ताकि वो कंपेयर कर सके। यूजर्स में कौन कौन हो सकता है, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, उसके बाद प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, यानी वो लोग जो लोग शायद इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, वो लोग भी ये सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखेंगे। फिर गवर्नमेंट देखेगी, इनकम टैक्स की अथॉरिटीज देखेगी, ठीक है, सेल्स टैक्स जो कि अभी जीएसटी हो गया है, तो जीएसटी की अथॉरिटी देखेगी, समझ में आया। तो ये सब लोग क्या देखेंगे, सारे रिपोर्ट्स, और ये सारे लोग क्या कहलाते हैं, यूजर्स। क्यों? क्योंकि वो लोग उसे देखते हैं, उसे स्टडी करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, ठीक है। ये पहला जो पार्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, उसे हम क्या कहेंगे, इनपुट। ये कंप्यूटर की तरह काम करता है, ये चीज जो है उसके अंदर इनपुट डाल दो, फिर वो ये सारी चीजों का प्रोसेस करेगा और एंड में वो आउटपुट में क्या देगा, रिपोर्ट। क्या देगा, रिपोर्ट। तो ये होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, क्यों हमें अकाउंटिंग करना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव के साथ हम अकाउंटिंग करते हैं। देखो एक तो हम ना अगर लिखेंगे नहीं ना कहीं कोई भी ट्रांजेक्शन तो हम भूल जाएंगे। अगर मैंने अपने दोस्त को, एक दोस्त है सीमा, उसे 5000 दिए, किसी को 2000 दिए, किसी को 4000 दिए, बहुत सारे लोगों को मैंने पैसा दिया, अभी मुझे बाद में याद रहेगा, नहीं रहेगा, तो मुझे उसे कहीं लिखना पड़ेगा। देखो आपके साथ ऐसा होता है दोस्तों, जब आप अपने फ्रेंड्स को बुक्स देते हो, ठीक है, कई बार आप लोग बुक देके भूल जाते हो, है ना, फिर वो फ्रेंड जब वापस करता है तो तुम्हें याद आता है, अरे मैंने तुम्हें बुक दी थी, मैं तो घर पे ढूंढ रहा था, ऐसा होता है कि नहीं होता। हाँ, इसीलिए रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है ताकि वो परमानेंट रह सके, ठीक है। टू नो द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हम ये जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे हमारे कंपनी पे। जैसे कि हम जो है सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सेल्स का क्या असर हो रहा है, हम जो है हम पहले एक अलग जगह से प्रोडक्ट परचेज करते थे, रॉ मटेरियल परचेज करते थे,
अब हम दूसरी जगह से रॉ मटेरियल परचेज करें तो देखना जरूरी है ना कि अब ये दूसरी जगह से हमें क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे जो प्रॉफिट है उसमें। टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे कि वर्कर लोग स्ट्राइक कर देते हैं तो हमारे बिजनेस पे बहुत असर होती है। अगर हमारे वर्कर 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी ले लेते हैं तो हमारे यहाँ ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो ये सारे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, क्या है इन्फ्लुएंशियल फैक्टर। टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी, अगर तुम अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करोगे, अगर तुम प्रॉफिट फिगर ढूंढोगे ही नहीं तो तुम इनकम टैक्स कैसे पे करोगे, क्योंकि इनकम टैक्स को प्रॉफिट पे पे किया जाता है ना। टू नो द क्वांटम, दैट इज साइज ऑफ पेएबल्स, देखो आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आपको कितने लोगों को पैसा देना बाकी है, समझ में आ रहा है, और क्या अमाउंट है हर एक का। जैसे बैंक से लोन लिया है, किसी बंदे से लोन लिया है अनसिक्योर्ड, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वगैरह आगे आएगा तो ठीक है। तो ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये हम कैसे जानते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करके। टू नो क्वांटम या तो साइज ऑफ रिसीवेबल, सेम मतलब अगर हमें डेटर्स से पैसा लेना होता है, हमारे कस्टमर्स से पैसा लेना होता है, फिर हमने किसी को लोन दिया है उससे हमें पैसा लेना है, तो ये जानना जरूरी है कि हमें कितने लोगों से कितने कितने रुपए लेने हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग से। टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, अगर तुम अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ है। टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बिजनेस, देखो खाली प्रॉफिट जान के भी कुछ होता नहीं, अपना स्टेटस क्या है वो तुम्हारी बैलेंस शीट बताती है, समझ में आ रहा है। जैसे कि किसी की बैलेंस शीट वीक होती है, किसी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये उसका इकोनॉमिक स्टेटस जाना जा सकता है, कैसे, अकाउंटिंग से। टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड्स, अगर कोई एरर या फ्रॉड है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग से। देखो अगर तुम प्रॉपरली नोट डाउन करोगे तो अगर किसी ने स्टॉक चुराया है या तो चोरी हो गई है, कुछ गायब हो गया है स्टॉक, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुरंत। अगर तुम सब मेंटेन नहीं करोगे तो तुम्हें पता चलेगा नहीं। तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। देखो सब में मोर और लेस पॉइंट्स जो है वो सेम ही है, समझ में आया, थोड़े बहुत अलग होंगे, बाकी वे ऑफ राइटिंग अलग है। जैसे कि वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो हमें पता चलेगा उसमें कि हमें टैक्स कितना पे करना है, समझ में आया। और यहाँ पर एडवांटेज क्या होगा कि हमें पता चला कि हमें कितना टैक्स पे करना है, माने हम टैक्स प्लानिंग करेंगे। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, कम से कम टैक्स पे करना पड़े इसके लिए हमें हम जो करते हैं उसे हमें क्या कहते हैं, टैक्स प्लानिंग कहते हैं, समझ में आया। देखो वहां पर क्या आया कि तुम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वगैरह मिलेगी, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या आया कि तुम्हारे लिए एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है। टू नो प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पे क्या आया कि तुम्हें प्रॉफिटेबिलिटी पता चले, और यहाँ पर क्या आ रहा है, टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, यानी तुम प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सको, और यहाँ पर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी। एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव में खाली इतना ही डिफरेंस है। टू नो फाइनेंशियल स्टेटस, यानी तुम्हारा का फाइनेंशियल स्टेटस है वो तुम्हें पता चले, और यहाँ पर टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस, समझ में आ रहा है, मोर और लेस क्या है, सेम ही है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, हमारा हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है वो हमें पता चले, समझ में आया। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे घर की वैल्यू होती है वैसे बिजनेस की भी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या आ रहा है, रिसीवेबल कितना है वो पता चले, पेएबल कितना है वो पता चले, समझ में आ रहा है। तो मोर और लेस सेम है। डिसीजन मेकिंग में क्या हो सकता है, एविडेंस, क्यों एविडेंस है, इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो रेड डालेगी तो हमारे पास ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो सब एक प्रकार के एविडेंस है जो हम इनको बताएंगे
देखो भाई ये है हमारा प्रॉफिट, ये हमारा बिजनेस, समझ में आ रहा है। पास्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं। आप जो है कंपैरिजन हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस के साथ करते हो, जैसे आपका ये साल का रिजल्ट आएगा तो आप उसको कैसे कंपेयर करोगे, अरे 10th में तो इतने परसेंट आए थे फिर 11th में इतने कम क्यों आए, समझ में आ रहा है। ऐसे तो पास्ट के साथ हमेशा कंपैरिजन होती है। मोरल कंट्रोल, मोरल कंट्रोल यानी देखो अकाउंटिंग वगैरह आप करोगे, ये करोगे वो करोगे, एम्प्लॉइज के दिमाग में भी डर होगा, ठीक है, कि भाई हम चोरी नहीं कर सकते, एम्प्लॉइज ले लो कोई भी ले लो स्टाफ मेंबर या वट एवर, तो सबके दिमाग में एक डर होगा कि अगर हम चोरी करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, समझ में आया। तो इससे मोरल कंट्रोल होता है, क्या होता है मोरल कंट्रोल। करेक्टिव मेजर्स, देखो आगे वाले पार्ट में क्या आया कि आपने कोई एरर किया है या फ्रॉड हुआ है तो आप डिटेक्ट कर सको, ठीक है। मोरल कंट्रोल से क्या होगा, फ्रॉड कम होगा, ठीक है, और करेक्टिव मेजर्स यानी अगर कोई एरर आपने कर दिया है तो आप उसे सुधार रहे, क्या कर रहे हो, एरर को आप सुधार रहे हो। स्टूडेंट्स आई विल एंड माई लेक्चर फॉर टूडे, थैंक यू।